इमाम मालिक के रहमतुल्लाह के बारे में शेख ने जो इबारत पढ़ा ना, तो उसका किताब का जो जी एक क्या कह रहे हैं हेलो इमाम मालिक का जो हवाला आपने दिए थे वो किताब के ताल्लुक से कुछ पूरी पूछ पूरी रहे बात हैं कही जी। आपने, क्या कहा था, कुछ काफी लंबी बात आपने की थी, पूरी बात आप कहिए क्या कहा था आपने। अच्छा, उस किताब के मुसनिफ का वफात कितने साल में हुआ है, कौन सी मसलक के ताल्लुक सवाल रखती है आप कह उन्होंने रहे थे कि शेख अल्बानी का कुछ जिक्र कर रहे थे आप, इमाम साहब रहमुल्लाह की, जो शेख इमाम अल्बानी मालिक का नाम की ले रहे थे कुछ। हाँ न, शेख अल्बानी रहमुल्लाह ने सलातो तरावे के अंदर इमाम जूरी से एक कौल रियत किया है, 11 रकअत के बारे में, लोगों ने मालिक जरा से किया, हाँ उन पे लोगों ने जी, जरा किया इमाम है, से काउंटर ग्यारह किया किया जी, शाह है जी उसको, जी खास उसे लोगों ने काउंटर किया। इमाम शेख अल्बानी रहमुल्ला की जो किताब है ना सलातु तरावी, जी उस किताब में शेख अल्बानी रहमुल्ला ने जिसके हवाले से इमाम मालिक रहमुल्ला का कौल नकल किया है 11 रकात का, तो लोगों ने उसको उसका काउंटर किया है, उसका जवाब दिया है कि उनसे साबित नहीं है। लेकिन मैंने अपनी किताब में मस्नून नकाते तरावी आप पढ़ेंगे तो मैंने इसीलिए उनसे हटके दो और जरिए से, यानी इमाम मालिक रहमुल्ला के दो दूसरे शागिर्द, वो जूरी वाला नहीं वो छोड़ दीजिए जो शेख अल्बानी रहमुल्ला पे नकद हुआ, बल्कि ये मेरी किताब एक शेख ने पढ़ा जो शेख अल्बानी रहमुल्ला के शागिर्द भी हैं, तो मेरी किताब जब उन्होंने पढ़ा ना, ये मैंने उनको दिया पढ़ने के लिए, तो वो कह रहे थे कि इस किताब को अरबी में लिखना चाहिए ताकि ये जो बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि इमाम मालिक रहमुल्ला से सिर्फ वही एक रास्ता है साबित होने का, उनको पता चल जाए कि इमाम मालिक के और शागिर्द से भी ये साबित है। तो जो पहला मैंने हवाला दिया था ना, वो मेरी किताब में दो हवाले हैं। पहला हवाला मतलब इमाम अशहाब का हवाला है जो इमाम मालिक रहमुल्ला के शागिर्द हैं, ठीक है। अब ये जो शागिर्द हैं इमाम मालिक रहमुल्ला के बहुत बड़े शागिर्द हैं, सिका शागिर्द हैं और साहिब तसनीफात हैं, यानी ये तसनीफ वाले हैं, और ये फ़क़ा का ये जब अकवाल नकल करते हैं तो जो साहिब तसनीफ होता है तो उन्हीं की तसनीफात ही से नकल करते हैं, तो ये साहिब तसनीफ हैं और इनसे नकल किया है इब्ने मुगीस रहमुल्ला ने, ये कौल ये भी साहिब तसनीफ है, और इब्ने मुगीस के हवाले से अब्दुल हक अलशबीली ने नकल किया है असलात व तहज्जुद में, जिनकी वफात 561 हिजरी है। तो ये किससे नकल कर रहे हैं, ये इब्ने मुगीस से नकल कर रहे हैं। इब्ने मुगीस किससे नकल कर रहे हैं, ये इब्ने मुगीस नकल कर रहे हैं इमाम अशहाब से नकल कर रहे हैं, वो इमाम मालिक से नकल कर रहे हैं, ये समझो इसका पूरा चैन है। तो ये किताबों के जरिए से नकल होते हुए आया है। तो ये फ़िक़्ह जो फ़िक़्ह मालिकी के जो इमाम मालिक के जो शागिर्द हैं उन लोगों ने अपनी किताबों में इसका नकल किया, फिर दूसरे साहिबी किताब ने इनकी किताब से, फिर उन किताब से दूसरे साहिबी किताब से नकल किया, तो ये इमाम मालिक रहमुल्ला से ये कौल मौजूद है। इसके अलावा इमाम मालिक रहमुल्ला के एक दूसरे शागिर्द हैं इब्न कासिम रहमुल्ला, उन्होंने भी यही कौल नकल फरमाया है। तो कुल मिला के तीन ज़राए हैं, यानी तीन रास्ते से ये चीज़ आ रही है कि इमाम मालिक रहमुल्ला ने जो है 11 रकात जो है पसंद फरमाई है और 11 रकात पे अमल करते थे। और इसके बरखिलाफ कुतुब फिक्ह में कोई एक कौल भी मुझे नहीं मिला जिसमें यह हो कि इमाम मालिक रहमुल्ला ने 20 रकत की बात कही हो या 11 से ज्यादा की बात कही, ये मुझे कहीं नहीं मिला। आप शायद कुछ जिक्र कर रहे थे कि कहीं है, लेकिन कहाँ है। मुदनतुल कुबरा के अंदर इब्न कासिम के रिवायत से एक मरवी है, वहां पर उन्होंने 36 रकात के बारे में लिखा है इमाम नहीं मालिक नहीं का। नहीं उसमें नहीं है, नहीं उसमें हमारी किताब अच्छा पढ़िए उसका जवाब है, हमारी किताब अच्छा पढ़िए, हमारी किताब में उसकी डिटेल मौजूद है कि किस तरह से उस इबारत को समझने में लोग गलती कर रहे हैं। इमाम मालिक रहमुल्लाह उसमें है क्या बताऊं, उसमें और कई अच्छा किताबों में बात है। एक बात क्या है, मतलब कई तरह से लोग गलत समझ रहे हैं, पूरी लंबी डिटेल है मेरी किताब में, एक लंबी बहस है कि इमाम मालिक रहमुल्ला की तरफ जो बातें मंसूब की जा रही हैं वो सही नहीं है, और वो बात है भी नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं 20 रकत की बात है। बाज किताबों में सिर्फ ये मिलता है कि मस्जिद नबी में जो नमाज हो रही थी वो 36 रकत हो रही थी, या मतलब 20 तो नहीं हो रही थी, उससे ज्यादा हो रही थी। तो जब इमाम मालिक रहमुल्ला के बारे में वहां के अमीर को ये पता चला कि इमाम मालिक तो 11 पढ़ते हैं, तो उन्होंने इमाम मालिक रहमुल्ला को अच्छा बुलाया और कहा कि अगर 11 रकत ही है तो क्यों ना मैं मदीना में जो तादाद पड़ी जा रही है बदलवा दूं, मैं मस्जिद नबी में मैं इसको चेंज करा देता हूँ, इसको भी 11 करवा देता हूँ। तो इमाम मालिक रहमुल्ला ने कहा नहीं, रहने दो, जैसा कर रहे हैं करने दो, लेकिन मैं तो इतना ही पढ़ूंगा 11। तो इमाम मालिक रहमुल्ला उन लोगों के साथ नमाज नहीं पढ़ते थे, वो अकेले जाके अलग पढ़ते थे, इमाम मालिक रहमुल्ला अलग पढ़ते थे 11 रकात, वहाँ नहीं पढ़ते थे। तो जो हाकिम वक्त थे उस वक्त उन्होंने कहा कि हम इसको, यानी ताकत के बलबूते हम इसको नाफिज कर देते हैं 11 ही, लेकिन इमाम मालिक ने उसको पसंद नहीं किया कि उससे कोई फितना होगा, कोई हंगामा होगा, कोई मसला होगा, तो इसलिए इमाम मालिक रहमुल्ला ने जो है अमीर को एक्शन लेने से मना किया कि आप एक्शन मत लीजिए। इसको लोगों ने क्या समझ लिया कि वो भी जो है इसके कायल हो गए थे, तो ऐसा नहीं है, समझ रहे। बाकी अच्छा मुझे अच्छा तो एक अच्छा सिंगल भी हवाला नहीं मालूम है कि इमाम मालिक रहमुल्ला से उनके किसी शागिर्द ने नकल किया हो कि 20 रकत है। अगर किसी के पास है तो बताएं, आपके पास भी हो तो आप भी मुझे भेजे। 20 नहीं है, 36 के बारे में इब्न कासिम का जो रिवायत मुदनतुल कुबरा के अंदर, वो जो शेख अलबान रहमुल्लाह के जो किताब के जो जवाब दिया शेख इस्माइल अल अंसारी सऊदी का, उस किताब के अंदर उन्होंने इस रिवायत के देकर उस वो किताब में इस जुरी बात वाला को तोड़ रिवायत। के पेश किया, उन्होंने इस बात को अच्छा तोड़ अच्छा के पेश अच्छा किया
इस बात को इस तरह बना दिया कि इमाम मालिक किसके कायल है, जबकि इमाम मालिक ने सिर्फ हाकिम को एक्शन लेने से मना किया था। इमाम मालिक अगर किसी फितने के खौफ से एक्शन लेने से मना कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी कि वो 11 से ज्यादा के कायल हैं। इमाम मालिक 11 ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इमाम मालिक को 11 पढ़ते हुए पता चला हाकिम वक्तों कि इमाम मालिक का फतवा तो ये, इमाम मालिक का अमल ये, तो उस शख्स ने कहा, हाकिम ने कहा कि अब हम ताकत के बलबूते यानी आपके फतवे को नाफिज कर देते हैं डंडे के जोड़ पे तो इमाम मालिक रहमला ने इसको पसंद नहीं किया कि सख्ती की जाए। इमाम मालिक रहमला ने कहा ठीक है वो पढ़ रहे पढ़ने दो, लेकिन मैं 11 ही पढ़ूंगा, ये बात है। और इमाम मालिक रहमला ने जो एक्शन लेने से मना किया ना, उसको बंदों ने ये समझ लिया, ये लोगों ने, मुकलिदियों ने ये समझ लिया कि वो जो है दूसरा उनका कोई कॉल था, ऐसा कोई कॉल नहीं था। इसकी सारी डिटेल मेरी किताब में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आए। आई प्लस टीवी ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है आई प्लस टीवी इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।